नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा आईवी फ्लूइड देखने वाले हैं जो ऑलमोस्ट एनी कंडीशन में आप ये यूज़ कर सकते हैं, और ये जो आईवी फ्लूइड है इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो नहीं के बराबर है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शक्कर वाला आईवी फ्लूइड यानी 5% डेक्सट्रोज के बारे में देखा था, और आज का जो वीडियो है इसमें हम नमक वाला आईवी फ्लूइड देखेंगे और उसे कहते हैं नॉर्मल सलाइन। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों ये जो नॉर्मल सलाइन है ये हमें तीन प्रकार की बोतल में मिलता है। एक है 100 ml, एक है 500 ml और तीसरा है 1000 ml। तो ये जो 1 लीटर की जो आईवी की बोतल है उसमें कितना सोडियम क्लोराइड रहता है, उसमें रहता है 9 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसी के लिए कारण इसे 0.9% सलाइन भी कहते हैं। ये जो है उसमें सलाइन में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम क्लोराइड का वो है 0.9%, और ये जो सलाइन है ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, जिसमें हम जब नॉर्मल सलाइन कहते हैं तो वो जो सलाइन है उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है 0.9%, एक 0.45% सलाइन भी आता है, फिर 1.6% भी सलाइन आता है, और 3% सलाइन भी आता है। लेकिन जब हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है 0.9%। और ये जो 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन है वो 1 लीटर में 154 mEq ऑफ सोडियम रहता है और 154 mEq ऑफ क्लोराइड रहता है। अब ये जो फ्लूइड है इसका फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऐसा है कि ये जो फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसे बढ़ाता है। तो दोस्तों हमें पता है कि सोडियम और क्लोराइड ये जो आयन्स है ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं, और जब भी हम ये फ्लूइड देते हैं जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयन्स है तो ये जो फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंपार्टमेंट है फ्लूइड का उसका जो वॉल्यूम है उसे इंक्रीज करता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो नॉर्मल सलाइन है इसके यूजेस क्या है। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ये है कि ये ऐसी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है जहाँ हमको पेशेंट को वाटर भी रिप्लेस करना है और सॉल्ट्स भी रिप्लेस करना है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है, जैसे डायरिया या फिर वोमिटिंग या फिर एक्सेसिव डायूरेसिस यानी बहुत ज़्यादा पेशेंट को यूरिनेशन हुआ है, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा पेशेंट को पसीना आया है। ऐसी जो कंडीशंस है जिसमें सॉल्ट भी जाता है बॉडी से और वाटर भी जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। फिर इसका यूज़ आता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है, और ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का ही पार्ट है, और हमने पहले ही देखा है कि नॉर्मल सलाइन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को इंक्रीज करता है, और इसी के कारण ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में भी यूज़ होता है। तीसरा इसका यूज़ है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। जब भी सोडियम की जो लेवल है हमारे ब्लड में कम हो जाती है तो उसे इंक्रीज करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। चौथा है इट इज़ यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट। जब भी हमें अलग अलग ड्रग्स के कुछ इन्फ्यूजन्स बनाने रहते हैं तो हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ एज ए डाइल्यूएंट करके यूज़ कर सकते हैं। फिर इट इज़ यूज्ड एज एन इरीगेशन। जब भी हमें सर्जरी में कोई इरीगेटिंग फ्लूइड का काम आता है तो हम सलाइन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी है और हमें पेरिटोनियल को वॉश करना है, पेरिटोनियल वॉश करना है, तो ऐसी कंडीशंस में हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, या कॉन्ट्राइंडिकेशंस से भी ज़्यादा हमें करना चाहिए कि इसके प्रिकॉशंस क्या है, कहाँ पर ये फ्लूइड हमें थोड़ा सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए। तो पहला जो है वो है इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स एंड इन प्री इक्लेम्शिया पेशेंट। अभी ये जो नॉर्मल सलाइन है इसमें सोडियम रहता है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का रहता है तो हम उसे कहते हैं कि आप ज़्यादा नमक नहीं खाना है। तो दोस्तों ऐसे जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है यानी या फिर प्री इक्लेम्शिया के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स में हमें नॉर्मल सलाइन जो है वो बहुत सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरा है कि इन वेरी यंग एंड इन एल्डरली पर्सन्स, जो बहुत ही छोटे बच्चे रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनकी किडनी जो है वो कमज़ोर रहती है, और ये जो आईवी फ्लूइड है इसमें जो सोडियम का लोड है
ये जो किडनी है उनकी ये सोडियम लोड हैंडल अच्छे से नहीं कर सकती, और ऐसे जो पेशेंट्स है फिर इनमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत बुजुर्ग है इनमें भी हमें ये जो फ्लूइड है बहुत सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में आज स्टडी किया, उसके यूजेस क्या क्या है और कहाँ पे ये हमें सावधानी के साथ यूज़ करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और अभी तक आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ये ज़रूर चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।